पानी गिरा उसमें ही नालियों का पानी सड़क पे आ गया है और नदी नाले एक हो गए हैं, घरों में पानी घुसने लग गया है। और अभी अभी मैंने कमिश्नर से भी बात की पर शायद वो इतने बेपरवाह कि उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। उसके बाद फिर मैंने सब इंजीनियर से बात की जाधव जी से, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये मैं जल्द से जल्द ठीक कराऊंगा। मैं पूरा पूरा देवास का जो जो मेन मेन पानी की समस्या है, जो ये बाहर आ रहा नदी नाले हो रहे हैं, इनका पूरा पूरी समस्याओं को खत्म करूंगी जड़ से। और जो मेरे पूर्व में रह चुके विपक्षी दल महापौर प्रत्याशी रहे, उन्होंने देवास का कोई विकास नहीं किया है, उन्होंने बस अपना व्यापार बढ़ाया है और विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या कहना आपका? यहाँ पे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अभी तक शासन जिनका था उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जनता का, बस झूठे वादे करते हैं और लोगों की तरफ दिखावा करके विकास बताते हैं। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।